जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हो गया एनटीए में, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नीट को लेकर ये इतने परेशान हैं कि आगे आने वाले अपने सारे इम्तहान को पोस्टपोन करते जा रहे हैं। तो बच्चों एक परीक्षा होती है यूजीसी नेट की, जिसको हमने 85 में क्वालिफाई किया था। और बच्चों इस रिजल्ट के बाद क्या होता है, कॉलेज में लेक्चरर बनते हैं और स्कॉलरशिप मिलती है रिसर्च के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, पोस्टपोनमेंट ऑफ ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2024। द कैंडिडेट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2024 विच वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन 25/6/2024 टू 27/6/2024 इज बीइंग पोस्टपोन ड्यू टू अनएविटेबल रीजन एज वेल एज लॉजिस्टिक इशू। अब ये कह रहे हैं कि हो सकता है सेंटर पर पेपर ना पहुँचा पाए हों, क्योंकि ये लगे हैं नीट के चक्कर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपसे ये कहना है कि आप सबको 8 जुलाई तक का वेट करना चाहिए, और जिनके रिजल्ट अच्छे भी आए हैं उनको पढ़ाई करनी चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए हमने एक शेड्यूल दिया है टेस्ट का, और एक शेड्यूल और दिया है क्लास का। ये दोनों शेड्यूल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रहे हैं। आप इस टेस्ट को देते रहिए, कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, सर हमने गूगल फॉर्म भरा था, हमें टेस्ट देने के लिए नहीं मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल भी ये टेस्ट ओपन रहेगा, क्योंकि बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा आ गए थे, इसलिए कुछ बच्चों का टेस्ट नहीं हो पाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे ये कहना है कि जैसे साल दो साल तीन साल से आप तैयारी कर रहे हैं, ये जो 17-18 दिन बचे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मुझे आपसे ये कहना है कि बिल्कुल मान के मत चलिए कि अगर 0.001% भी चांसेस है रीनीट होने के लिए, तो इसके लिए आपको सीरियस होना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता हूँ होगा, लेकिन मैंने हर वीडियो में आपको बोला था कुछ ना कुछ तो होगा। और कम से कम देखिए रिजल्ट रीपब्लिश तो होने जा रहा है, इसकी गारंटी हो गई। क्या पता 8 जुलाई को कोर्ट मामला पलट दे। तो आप बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए। आपने बच्चों रात दिन मेहनत करी है, रात दिन तपस्या की है, रात दिन पढ़ाई की है, बहुत सारे पैसे खर्च किए कोचिंग में। मेरा आपसे ये कहना है, प्लीज़ आप पढ़ाई को डिसकंटिन्यू मत करिए। जिन बच्चों के नंबर 670-680 भी आए हैं, उनसे कहेंगे कम से कम एक मॉक टेस्ट वो जरूर देते रहे। और न्यूलाइट की तरफ से ये मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पे मिलेगा। और ये कौन सा एप्लीकेशन है जरा दिखा दीजिए, ये यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन है मेरे प्यारे बच्चों, ये है न्यूलाइट नीट प्रेप, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें क्लासेज भी चल रही है मॉर्निंग में। कल बायो का है यूनिट 2 11th NCERT, हम लोग 200 सवाल की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसी तरह से बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हो रहा है। क्लास का शेड्यूल टेस्ट का शेड्यूल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपना मन लगाने के लिए इसको करते रहिए, ठीक है ना। ये 17-18 दिन बर्बाद मत करिए, क्योंकि अगर 0.001% भी चांस है तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।